हरियाणा की बात सबके साथ, हरियाणा की बात सबके साथ, इनिशिएटिव बाय लाइफ करनाल एंड डॉक्टर ऋषि आई इंस्टीट्यूट सेक्टर 6 करनाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हरियाणा की बात सबके साथ। और आज जो अभी आपने क्लिप देखी उसको देखकर लग रहा होगा कि जो हमारे साथ महिला बैठी हैं शायद डॉक्टर हैं जो मरहम पट्टी कर रही थी। तो आपको मैं बता दूं कि ये प्रोफेशन से डॉक्टर तो नहीं है, अध्यापक ज़रूर हैं। और जो ये कर रही थी उसका क्या कारण है, आज के दौर में हम देखते हैं कि उस परिस्थिति में जाने के बाद शायद हम अपने परिवार वालों को भी छोड़ देते हैं। घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनका हम पानी तक का भी ध्यान नहीं रखते हैं, खाना पानी कह सकते हैं कि ध्यान नहीं रखते हैं, लापरवाहों की तरह छोड़ देते हैं। तो ये वो कौन लोग थे जिनकी ये मरहम पट्टी कर रही थी अभी, तो हम इनसे ही जानेंगे। हम मेरे साथ आज हैं हरियाणा की बात सबके साथ में अनु मदान जी, तो इनसे हम जानते हैं कि ये क्या, अभी जो हमने वीडियो क्लिप लोगों को दिखाया उसका क्या रहस्य है और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या रिश्ता है आपका इन लोगों के साथ? रिश्ते तो कहते हैं ऊपर वाला बनाता है और ऊपर से ही बनकर आते हैं रिश्ते। और रिश्तों की अगर बात करें तो हमारे माता पिता जी जो हमें संस्कार देते हैं और जो सभ्यता जिस भारत के हम वासी हैं उसी से वहाँ पर हमारे रिश्ते ऐसे एक दूसरे के साथ बन जाते हैं कि हमें खुद ही स्वयं ही नहीं पता चलता कि हम कब कहाँ कैसे पहुँच जाते हैं। अपनी बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं लाइव करनाल का और अपने स्पॉन्सर्स का जिन्होंने भी आज इस पूरे मुहिम को उन्होंने आज कवरिंग किया, अपने कैमरे में कैद किया, और धर्मेंद्र सर का जिन्होंने आज हमारे आश्रम में अपना आशियाना आश्रम में आकर इस बात को कवरिंग करी। हम आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अपने सभी व्यूवर्स को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कहते हैं गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, आपके दिल की चुभन भी कम होगी किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। जब हम किसी के कांटों को अगर दर्द कहते हैं ना, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, और किसी की खुशी का अगर हम कारण बन सके तो इससे बड़ी बात ही नहीं है। प्रभु ने ऐसा कुछ चुनिंदा लोगों को ही ऐसे देता है सेवा का मौका। कहते हैं सेवा कभी किसी की रुकती नहीं है, सेवा करिए तो रुकती नहीं, ना करिए तो मुकती नहीं। तो मतलब सेवा ऐसी है कि जितनी करती जाए उतनी बढ़ती चली जाती है। और आपने अभी देखा होगा जैसे हम लोगों ने, ये हमारे पास प्रभु स्वरूप प्राणी है, हम इनको सबको भगवान का दर्जा देते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप अपना आशियाना में हैं, अपना आशियाना बहुत सालों से चल रहा है, उसमें भी एक भागीदारी आप निभा रहे हैं जो शायद बाकी शहर के लोग नहीं निभा पा रहे हैं। आप यहाँ किससे कैसे जुड़े, अपने बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्योंकि बतौर महिला आप अध्यापक भी हैं, घर की जिम्मेवारियाँ भी हैं और उसके बाद इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं आप। कहते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागे सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते हैं, क्या लागे है मेरा, हमारा तो इस जीवन में कुछ है ही नहीं। ये प्रभु का दिया हुआ स्वरूप है, प्रभु का दिया हुआ ही ये जीवन है। अगर इस जीवन में हम किसी के काम आ सके तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। जब बचपन में बहुत छोटी होती थी तो कभी भी किसी जानवर को, किसी पक्षी को घायल होते देखती थी तो मन बहुत ज़्यादा तड़प उठता था कि, और या फिर किसी ऐसे प्राणी को देखती थी जो सड़कों पर भीख मांगते हैं या जो लाचार हो जाते हैं, जो मंदबुद्धि हो जाते हैं, जिनका घर परिवार नहीं होता, कभी कोई हमारे घर भिखारी रूप में आते थे खाना मांगने, तो हम सोचते थे ये क्यों मांगते हैं, हम तो नहीं जाते किसी के घर मांगने, ये क्यों आते हैं। तो फिर हमारी माता जी, हमारे पापा हमें समझाते होते थे कि बेटा ये कहीं ना कहीं अपने घर से दरकिनार हो जाते हैं, घरों से निकल पड़ते हैं या मानसिक बुद्धि के हो जाते हैं। तब छोटी आयु में ये सब बातें सोचते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, शादी हुई, शादी के बाद जब हम इधर करनाल की तरफ आए तो यहाँ पर देखा एक संस्था थी जो कि लावारिस डेड बॉडीज़ का संस्कार करती थी। तो एक बार ऐसे ही मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया कि 5 डेड बॉडीज संस्कार एट मॉडल टाउन एट 5 o'clock। तो मैंने जब वो मैसेज एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। मैंने कहा पता नहीं क्यों ये मैसेज आते हैं। तो फिर मेरी एक दोस्त थी जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती थी, मेरी सखी, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है कि ये संस्कार मॉडल टाउन में किए जाते हैं, जितनी भी लावारिस बॉडीज़ होती हैं जो पूरे हरियाणा में से मिलती हैं उनका संस्कार किया जाता है। तो अनु एक बार आप ज़रूर उसमें आना। तो मैंने कहा ठीक है चलो। एक बार फिर मैं वहाँ संस्कार पे गई, जब वहाँ देखा तो इतनी बुरी तरह से बॉडीज़ थी, वो गली हुई बॉडीज़ थी, फूली हुई, कीड़े पड़े हुए थे उनमें। तो ऐसे ही मन उनमें ही रमता चला गया और लगा कि बाकी चीज़ें तो सब व्यर्थ हैं, हम जो इतनी लोगों के साथ बैठकर बातें करते हैं गली मोहल्लों में बैठकर या कुछ है, वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था ऐसा। तो मुझे मैं चाहती थी कि कुछ अलग
किया जाए, कुछ हट के किया जाए। इंटरनली आपने पहले से ही था क्योंकि मेरी मम्मा है जो, वो भी बहुत सेवा भावी हैं, वो भी बहुत सेवा करते हैं। मेरे पापा जो हैं वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, मेरे परिवार में सब धर्म को बहुत मानते हैं, तो वो भी माँ के जैसे कहते हैं संस्कार मिले, वो भी कूट कूट कर भरे हुए हैं। तो बस यही वजह, हाँ जी, इसी वजह से फिर धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते फिर हमारे पास जैसे कुछ ऐसे अनजान लोग आने लगे, जैसे कीड़े बढ़े, बहुत ज़्यादा उनके शरीर में कीड़े होते थे, तो फिर धीरे धीरे जैसे उनकी बैंडेज करना शुरू हुआ और फिर पता लगा कि दर्द क्या होता है। जब इनका दर्द हम महसूस करते हैं तो मन में एक आहत होती है, एक टीस सी चुभती है। जहाँ तक हम उस परिस्थिति में देखते हैं, आप क्लिप भी दिखाया आपने, वो भी हमने देखा, वो देखना भी कहीं ना कहीं असंभव हो जाता है, वो इतना मन कहते हैं कि विचलित हो जाता है उस परिस्थिति को देखकर। तो आप उसके साथ डील करते हैं, उसको ठीक करते हैं और पूरी तरह से रिकवर कर देते हैं, तो इस दौरान क्या बीतती है खुद पर? यही सोचते हैं कि अगर हमारी वजह से अगर इनका दर्द ठीक हो जाते, इनके जख्म ठीक हो जाते, इनको राहत की सांस मिलती है, ये एक पल के लिए भी सुख की नींद सो जाते हैं ना, तो हमें लगता है परिवार प्रभु जी का ये आशीर्वाद है, ये वही करवाता है, करो करावो आपो आप मानुष के, फिर कुछ नहीं हाथ, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, वो जो सबसे ऊपर बैठा है ना परमात्मा, वही उसका टाइम टेबल, उसकी हर रचना हम सबसे बहुत बेहतर है। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ होता है। एक बार ईश्वर और मनुष्य में बातचीत चल रही होती है तो ईश्वर मनुष्य से कहता है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वह है जो मैं चाहता हूँ, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, होगा वह जो तू चाहता है। तो ये ऐसी कुछ पंक्तियाँ दिल के अंदर घर कर जाती हैं और बस फिर हम अपनी धुन में चल पड़ते हैं, फिर हमें नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है, वो क्या करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, बस मन की सच्ची भावना है और यही भावना रहती है कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई सुख अगर हमारी तरफ से मिल जाए। वैसे तो हम कुछ भी नहीं है, कहती मैं तो कहा है ना, वही परमात्मा सब करवाने वाला है, वही करवाता है सबसे। जैसा कि आपने बताया कि शादी के बाद आप करनाल में आए, शादी के बाद आप करनाल में आए और ऐसी बहुत सारी महिलाएं करनाल में भी हैं जो सेवा भाव रखती हैं मन में, करना भी चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार उसके बीच में ज़रूर कहीं ना कहीं एक अंकुश जरूर लगाता है या परिवार की जिम्मेवारियाँ कहीं ना कहीं ज़रूर है। तो आपके जीवन में कहीं ऐसी परिस्थिति आई जहाँ परिवार ने रोका टोका, ऐसी कोई परिस्थिति? ऐसा है मेरे परिवार में, वैसे मुझे ज़्यादा किसी भी तरह की कोई भी किसी ने भी बंदिशें नहीं दी मुझे किसी ने भी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इंसान हैं, वो भी दया भाव वाले हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, उनका दिल बहुत छोटा है, तो लेकिन वो मुझे कहते हैं तू तो बड़ी बहुत दिल तेरा तो बड़ा है, तू पता नहीं कैसे कर लेती है, वो है मैं तो इसमें नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं का सहयोग है, बिल्कुल देखो उनके सहयोग के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मात्र हूँ। जब तक परिवार का सहयोग नहीं होता तब तक कोई भी परिवार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लेडी है चाहे जेंट्स है, तब वो इस काम को नहीं कर सकता। नहीं। देखो पीछे से पुशअप मिलता है हमें तभी हम आगे बढ़ते हैं, और उन लोगों का पूरा सहयोग है मेरे साथ, उन्होंने कभी आज तक मुझे नहीं रोका इस काम के लिए, और वो मेरे साथ साथ देते हैं, बल्कि चाहे मेरा बेटा है बेटी है दोनों ही बहुत अच्छे से इस चीज़ में, कभी उन्होंने मुझे कभी एक दो बार कहते हैं कि मम्मा आप कैसे कर लेते हो ये सब, ये है थोड़ा वो डिफिकल्ट है, जरूर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं है बिल्कुल भी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है या कोई भी इजीली, एक ऐसा कोई एक क्लब नहीं है कि आपने ज्वाइन किया कुछ दिन इंजॉय किया और छोड़ दिया। सेवा भाव जो क्रिटिकल सिचुएशन है, जिस हालात से आप लोगों को लेकर आते हो, वो परिस्थिति देख आम इंसान शायद सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि हम घर में होते हैं बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी कहीं ना कहीं गुजर बसर कर रहे होते हैं, जिस भी परिस्थिति में होते हैं अपने आप को कई बार हम सोचते हैं कि हम शायद उतने परिपक्व नहीं हैं या उतने समृद्ध नहीं हैं, लेकिन जब यहाँ इस परिस्थिति में लोगों को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हम बहुत धनवान भी हैं, खुश भी हैं शारीरिक रूप से भी, मन से भी। मैं तो वाकई में ही बहुत धनवान हूँ, मैं ये नहीं कहती, कोई मुझसे पूछता है आपके कितने बेटे हैं, मैं बेटों के ये सब मेरे बच्चे हैं, बच्चों की तरह है हमारे, क्योंकि ये माता पिता के रूप में भी हमें आशीर्वाद दे जाते हैं। कभी राखी का त्यौहार आता है या कोई भी ऐसा त्यौहार आता है, हम सीधा इनके पास आते हैं और इनके साथ अपने सभी त्यौहारों को मनाते हैं, और इनको राखी बांधना और इनको तिलक लगाना, और जैसे हमारे पास होली है दीपावली है, हम तो सारे त्यौहार परिवार की तरह है, ये तो नहीं कह सकता कि आप किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं, ये हमारा अपना आशियाना एक परिवार है, एक कुटुंब है हमारा,
जिसमें हमें आशीर्वाद मिलते हैं। हम एक दिन यहाँ नहीं आते तो हमें ऐसा लगता है अंदर खालीपन है कुछ, आज हम नहीं गए। और वैसे तो हम डेली हमारा आना होता है, रोज़ ही प्रतिदिन स्कूल के बाद मेरा यहीं पर आना होता है। स्कूल के बाद आकर इन लोगों से मिलना, इनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है हमें। इन ये जब हम आते हैं तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, इनको लगता है शायद हमारे कोई दीदी कहता है, कोई मैडम कहता है, कोई किसी तरह से पुकारता है, तो वो चीज़ें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें अपनापन महसूस होता है। अपनापन आपको भी लगता है और जो यहाँ लोग जितने भी हैं उनको भी लगता है कि हमारे लिए कोई आ रहे हैं, हमारे लिए कोई कुछ कर रहे हैं, जो शायद हताश हुए हुए होते हैं अपने परिवार से। बिल्कुल, ये देखो सभी के जीवन में परिवार तो एक बार में मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके ये कई लोग हमारे पास जो है बहुत अच्छे परिवारों से हैं, लेकिन मानसिक इनका जो बुद्धि है वो संतुलन खराब होने की वजह से अपने घर परिवारों से निकल पड़ते हैं और जहाँ कहीं इन्हें ठिकाना मिलता है वहीं रह जाते हैं। ये भीख नहीं मांगते हैं किसी से, किसी से कुछ भी नहीं मांगते हैं। एक कोने में बस क्यूज के नीचे या शेल्टर्स के नीचे या फिर आपको कहीं भी एक कोने में दुबके हुए पड़े मिलेंगे आपको, और कोई इनको ठंड का गर्मी का किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता। ये तो परमात्मा, मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारों में जाते हैं, वहाँ प्रभु जो हैं वो हमारे द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ हैं मनुष्य के द्वारा, लेकिन ये जो मानव यहाँ पर हैं प्रभु स्वरूप, ये भगवान के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ हैं। देखो आपके अंदर भी भगवान बसते हैं, मेरे अंदर भी भगवान बसते हैं, हमारे माता पिता भी भगवान स्वरूप हैं, तो ये क्यों नहीं है भगवान? ये बिना बोली और बिना झोली के संत होते हैं, कहते हैं ना संत अपनी कई झोली में से कई दुआएँ निकाल कर दे जाते हैं, तो इनकी दुआओं से ही हम चल रहे हैं। कई बार हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो लोग घर से बिछड़ चुके होते हैं, आप उनको सड़कों पर हमने देखा है, आए दिन खबरों में देखने को मिलते हैं, आप भी मिलते हैं, आपके साथ सहयोगी हैं यहाँ, वो सब भी मिलते हैं कि लोगों को सड़कों से पकड़ कर उठा कर लाते हैं और यहाँ क्यों, ताकि बाहर अगर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं कोई कह सकते हैं कि चोट लग जाए और परिस्थिति खराब ना हो जाए, तो उनको यहाँ एक सिक्योर परिस्थिति भी देते हैं आप, और यहाँ पर उनको खाना रहना सब चीज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है उन्हें। जी जी, यहाँ से लोगों को हमने ये भी देखा है कि अपने घर वापस भी गए हैं। बिल्कुल, कई बार हमने ये भी देखा है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है, ये हमारी एक संस्था है जो 40 साल पुरानी है, हमारा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ का संस्कार करना हो, बॉडी डोनेशन हो, आई डोनेशन हो, नेत्रदान की सेवा भी चलती है, साथ ही पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पर भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ होती हैं उनका संस्कार किया जाता है बड़े मन भाव से, और संस्कार के बाद संडे के संडे फूलों को संचित किया जाता है, उन्हें एक थैली में डाला जाता है उन फूलों को, फिर 6 महीने के बाद साल में 2 बार हम लोग जाते हैं हरिद्वार, लेकिन हरिद्वार जाने से पहले उनकी रस्म क्रिया टाइप उन्हें भजन संध्या तक की जाती है, और फिर हरिद्वार जाकर वहाँ पर गंगा किनारे बैठकर घाट पर हम लोग वहाँ भी हवन करते हैं, और वहाँ पर हमारा लंगर प्रसाद सेवा भी होती है, वहाँ 1000 के करीब वहाँ पर की जाती है। उसके बाद उन अस्थियों को छोटे बड़े बच्चे सब वृद्ध लोग सब अपनी ऐसे छाती से लगाकर उन अस्थियों को प्रवाह करते हैं, और वो मंजर उस समय कुछ और ही होता है लगे। और इस संस्था में हमारे साथ राजकुमार अरोड़ा जी हैं, चरणजीत पाली जी हैं, दीपक सचदेवा जी, अंशुल ग्रोवर जी, हमारे जगमेर पाल जी और शिव कुमार जी, मनोज कुमार जी, कृष्णा बहन जी हैं हमारी जो इस सेवा कार्य में लगे रहते हैं, यहाँ पर भी अपना आशियाना में। फिर धीरे धीरे जैसे हमें एक प्रभु जी ने जगह दी, हमारे राजू नारंग जी हैं, उनके साथ और भी एक टीम सतीश भाई साहब है, श्रवण कुमार जी हैं, तो बहुत बड़ा ये सारी एक कल भी हमने जब हवन किया तो उन्होंने बताया गन्ना होता है ना, गन्ने की पोरियाँ होती हैं, एक पोरी से फिर गांठ आती है, फिर दूसरी पोरी, फिर गांठ, फिर उसके ऊपर हरियाली आती है, ठीक ऐसे ही एक संस्था से दूसरी संस्था, दूसरे से तीसरे, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हमारी जो हमारी करनाल की जनता है उन सबका हम तह दिल से धन्यवाद करते हैं। ये उन्हीं के सहयोग से करनाल को एक करण की भूमि कहा गया है, दानवीर भूमि कहा गया, और दान देने वालों की कोई कमी नहीं है, बस झोली फैलाने वालों की होनी चाहिए, है ना? तो जैसे ही हम झोली फैलाते हैं वो हमारी झोली को कभी खाली नहीं करते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कुछ ना कुछ जी जी टाइम डोनेट करते हैं, और जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो भी कोशिश करते हैं कि पूरी करें। हमारी रिक्वायरमेंट के लिए भी होता है, हमारे ऑफिस में एक बोर्ड लगा हुआ है व्हाइट बोर्ड, उसके ऊपर हम भगवान राम जी के नाम पत्र लिख देते हैं, पाती, और उस चिट्ठी में हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स लिख देते हैं, और ना जाने वो कैसे पूरी कर देता है हमें पता ही नहीं चलता, वो सब भगवान, क्योंकि इनके लिए वो कुछ भी नहीं रहने देता, वो इनको कभी भी खाली नहीं रहे, वो सब पूर्ति करता चला जाता है। हम सबका तह दिल से धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए, और ये संस्था फिर आगे बढ़ी अपना आशियाना, अब भी आप अगर आपको मौका लगे तो आप देखें
अभी हमारे पीछे एक और बिल्डिंग हम बना रहे हैं त्रिमंजिला, और वहाँ पर जितने भी वृद्ध लोग हैं जो घरों में परिवारों में कई बार अकेलापन एकल जीवन व्यतीत करते हैं, और अकेलेपन में ही शहरों में देखा भी जाता है कि अगर बेटा है बहू है वो कहीं ना कहीं अपने काम में ज्यादा व्यस्त, पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्ग माता पिता है वो सब अकेले पड़ जाते हैं, ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो चाहते हैं जो बुजुर्ग हैं कि हम अलग से शायद रहें, अपना एक उनको ग्रुप मिले, कह सकते हैं ऐसा पारिवारिक माहौल मिले। जी जी, तो इन्हीं के लिए हमने एक अपना आशियाना की दूसरी एक और त्रिमंजली है जो बन रही है, और वहाँ पर कार्यरत है, कार्य चल रहा है वहाँ पर, और हम यही चाहते हैं कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जो अपने घरों में एकल जीवन बिता रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर विदेशों में चले जाते हैं, उन्हें रहने के लिए खाने पीने की बहुत, जैसे अब कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में कुछ ऐसे परिवार आए जिनको भोजन भी नहीं बना पा रहे थे वो बेचारे घर के अंदर, तो वहाँ पर भी हम अपना आशियाना की सारी सेवाएं चली, जो शायद नहीं हाँ, आ पाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट टिफ़न भी गया, और भी कई संस्थाएं ऐसे जुड़ी जो जिन्होंने ये सब काम किए, घर के अंदर दवाई देना, कोरोना काल के अंदर संस्कार सेवा जो करी है कोरोना पेशेंट्स की, उनके फूलों को संचित करना, और उनके फूलों को कईयों को हरिद्वार में भी प्रवाहित किया है, तो इस तरह की सेवाएं ये सब चलती हैं। अब मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आपने सारी चीज़ें डिटेल में बताई, शहरवासी और पूरे हरियाणा इसको देखता है, हरियाणा के लोग भी कई बार हमारे करनाल शहर के लोग आते हैं अपने, जब उनका बर्थडे होता है तो सेलिब्रेट तो करते ही हैं, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ यहाँ आकर भी एक बार मिलते जरूर हैं, अपने बच्चों को भी यहाँ मिलवाते हैं, जीवन का मूल्य जरूर उन्हें सिद्धांत सिखाना चाहते हैं कि एक जीवन का कितना बड़ा महत्व है हमारे परिवार में, जीवन में, और एक समाज में कैसा होना चाहिए एक बच्चे को, वो भी यहाँ पर शिक्षा कहीं ना कहीं दिलवाने के लिए अक्सर स्कूल्स वाले भी आते हैं, इंस्टीट्यूट भी लेकर आता है, और अगर कोई आपके पास आना चाहता है तो कैसे या क्या प्रोसीजर है जिससे कि वो जुड़ सके, किसी भी तरह से कुछ डोनेट करना चाहता है या खुद आना चाहते हैं तो कैसे आपसे मिल सकते हैं या यहाँ कैसे प्रवेश ले सकते हैं? देखो, एक बड़े प्यारे शब्द है कि गमों की आँच पर आंसुओं को उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, आपके दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। ये पहले भी बोला, ये दोबारा से भी बोला, क्यों बोला, क्योंकि जब हम किसी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, हमारे भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था कि तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देख, 100 कदम तेरी तरफ बढ़ाऊँगा, तो ऐसे ही वो लोग यहाँ आएंगे तो उन्हें असीम एक तो सुख शांति मिलेगी उनको, क्योंकि ये एक ऐसा, आप मंदिर वगैरह में सब जाते हो, ये पीड़ित मानव सेवा का मंदिर है, और यहाँ पर आते ही हमारे कई दुख दूर हुए हैं, कई लोगों की ख्वाहिशें पूरी हुई हैं, कईयों ने मन्नतें मांगी वो भी पूरी हुई हैं यहाँ से, ये एक ऐसा पीड़ित धाम है, और अगर आप लोग, कई ऐसे परिवार हैं जो वो यहाँ पर आते हैं अपने बच्चों के जन्मदिवस, अपनी मैरिज एनिवर्सरी, और बड़ों की याद में भोजन प्रसाद यहाँ करवाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास भोजन प्रसाद की सारी व्यवस्था रहती है, उन्हें बस यहाँ आना है, उस भोजन को वर्ताना है, और हम यही सबसे गुजारिश करेंगे कि अपना आशियाना आप सबका दर्शनाभिलाषी है, और यही चाहता है कि एक बार आप अवश्य यहाँ आए, आपके बच्चों के जन्मदिवस हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, या आपके बड़ों की याद में आप भोजन प्रसाद कराना चाहते हैं, तो आप एक बार अवश्य अपना आशियाना में आएँ और यहाँ पर आकर यहाँ की सेवाओं को देखें, और आपके मन के जो भाव हैं, मैं सच मायने में कहती हूँ कि आपको यहाँ आकर एक असीम शांति प्राप्त होगी। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है जो हर समय सेवा कार्य में रत रहता है, कहीं पर भी आपको ऐसे कोई लाचार, मंदबुद्धि, अक्षम बुद्धि के, या घरों के अंदर कोई ऐसे माता पिता बैठे हैं जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, जो बहुत ही बुरी हालत में है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9416110073 पर संपर्क कर सकते हो, 24 घंटे हमारी लाइनें उपलब्ध रहती हैं, आई डोनेशन की सेवा हो, या कहीं पर भी आपको बॉडी जैसे डोनेशन करना है, या फिर लवारिस कोई ऐसी अनजान लोग हैं जिनके जो संस्कार करने में असमर्थ हैं परिवार, तो उनके संस्कार की फ्री ऑफ कॉस्ट संस्कार भी करवाया जाता है, लकड़ी, घी, सामग्री कुछ भी हो ऐसा, वो हमारी संस्था इन सबको करती है। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया भी, अपने आपके मैं आया तो खैर यहाँ इसलिए था कि जो आप कर रहे हैं सेवा भाव वो लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ, लेकिन यहाँ आकर आपने और लोगों को भी कहीं ना कहीं जुड़ने का मौका भी दिया, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति में कोई इंसान कहीं है तो उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं, ताकि उसको आप सही टाइम पर वहाँ से ला सकें और उनको और बेहतर कर सकें, अगर किसी पीड़ा में है वो ठीक हो सके। और मैं शहरवासियों से और पूरे हरियाणा वासियों से यही अपील करूँगा
कि आप इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, और जब भी आपको समय लगता है आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, जैसा कि मैम ने बताया। की बात सबके साथ, इन सब का, पूरे व्यूवर्स का, लाइव करनाल, डॉक्टर ऋषि आई इंस्टीट्यूट और एक्सपर्ट मैथ्स क्लासेस, ट्रैक एंड ट्रेल, RC, रॉयल एंड विविट, सबका तहे दिल से धन्यवाद। बाकी मैं ऐसा नहीं, कहते हैं ना, ना शोहरत ना रहमत ना दर चाहता हूँ, ना अपने हुनर की कदर चाहता हूँ, आपकी सेवा में ही कटे मेरी ज़िंदगी, यही भोले तेरे से हर दिन रात यही चाहता हूँ, बस यही चाहती हूँ कि भोले आपके इस जीवन में, इस धरती माता की आगोश में रहकर ही, इन्हीं के डाउन टू अर्थ रहकर ही हम ये सेवा करते रहे। शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम कि ज़रूर एक बार विजिट करें, जब भी आपको समय लगे एक बार ज़रूर आने का कोशिश करें। शुक्रिया। जय सिया राम।